सो गाइस अगर आप जाएंगे यूट्यूब पर एंड सर्च करेंगे लकी शर्मा आर्ट से यूट्यूब गाइस मेरा जो चैनल है यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर आपको रैंक करता हुआ दिखाई देता है। एंड अगर आप ये भी सर्च करेंगे लकी शर्मा टेक्निकल टिप्स फिर भी मेरा जो चैनल है आपको सर्च रिजल्ट में आता हुआ दिखाई देता है वो भी फर्स्ट नंबर पर। एंड अगर आप सर्च करेंगे फ्लिपकार्ट के गिफ्ट कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट पर कैसे ट्रांसफर करें तो गाइस मेरी जो वीडियो यहाँ पर आपको रैंक करते दिखाई हुई दिखाई देती है वो भी फर्स्ट नंबर पर। सो गाइस आज की वीडियो आपको बताने वाले हैं कि आप अपने यूट्यूब चैनल को सर्च रिजल्ट में कैसे ला सकते हैं। काफ़ी सारे न्यू यूट्यूबर्स को ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है कि जिसमें कि उनका जो यूट्यूब चैनल है वो सर्च रिजल्ट में ही नहीं आ रहा है तो उनकी वीडियो कहाँ से मतलब चलने वाली है। सो गाइस आपको आज की वीडियो को जो टिक बताएंगे उसको अच्छे से फॉलो करना, मतलब यूट्यूब चैनल में काफ़ी सारे जो सेटिंग्स होती हैं जो कि आपको करना है तभी आपका आपका यूट्यूब चैनल आपको सर्च रिजल्ट में आने वाला है। तो नए यूट्यूबर्स को काफ़ी लोगों को ये सब पता नहीं होता है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, जो भी मतलब आपको एक बोनस पॉइंट बताऊँगा जिसको आपको फॉलो करना है तभी आपका जो YouTube चैनल है आपको सर्च रिजल्ट में आएगा। तो चलिए आज की वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको अपने चैनल का नाम है सबसे यूनिक रखना है। तो यूनिक में जैसे कि आप देख सकते हैं अगर आप मतलब मेरा चैनल देख लो तो लकी शर्मा आर्ट टिप्स हिंदी, तो इस नाम से कोई चैनल नहीं है तो आपको भी इस बात का मतलब इस बात का भी ध्यान देना है कि चैनल का नाम यूनिक रखें। अगर आप रख भी रहे हैं तो मतलब आपको जिस जो भी चैनल का नाम रखने वाले हैं उसके ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं होने चाहिए वरना आपका चैनल सर्च में नहीं आएगा। तो चलिए कौन सी ट्रिक हम आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। जैसे कि आप अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे आप सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। तो खुलने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपने यूट्यूब के स्टूडियो में आना है, आपको कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करना है। जैसे कि आप कस्टमाइज पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में इसको डेस्कटॉप में खोल देना अपने यूट्यूब चैनल को, इतना तो आपको पता ही होगा। आपको नहीं पता तो आप यहाँ से डेस्कटॉप साइड कर लेते हैं तब ये वाला जो ऑप्शन है आपके सामने आ जाता है, ठीक है। खुलने के बाद दोस्तों आपको सेटिंग का बटन पर क्लिक करना है। जैसे कि आप सेटिंग बटन पर क्लिक करेंगे आप सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों आपको चैनल पर क्लिक करना है। चैनल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक कीवर्ड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग को नहीं पता था होगा, तो अगर आपको पता है फिर भी आपको बता दें कि वो करना क्या है। तो आपको एक कीवर्ड में आपको अपने चैनल का नाम डालना है, आपका जो नाम है वो डालना है, आप जिससे रिलेटेड वीडियो बनाते हो वो डालना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा लो तो मेरा टेक चैनल है तो मैंने यहाँ पर क्या है क्या डाला, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम यूट्यूब एंड यूट्यूब टिप्स देता हूँ, तो यूट्यूब ट्यूटोरियल अपने मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक कुछ भी आप देख डाल सकते हैं। आप अपने चैनल के कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर मतलब अपने चैनल का कीवर्ड डाल दे सकते हैं। डालने के बाद दोस्तों आपको सेव के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये भी एक सेटिंग थी। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको जाना है अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, मतलब आपके चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको अपने चैनल का एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिख लेना है। आप मेरा डिस्क्रिप्शन जाके चैनल का देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी सारा मतलब मैंने आपको बताया है कि मैं अपने चैनल पर क्या बताता हूँ अपने अबाउट में। तो मतलब इसी दो पॉइंट को अगर आप नोटिस करेंगे अपने चैनल पर कीवर्ड लगा देंगे तो आपका जो यूट्यूब चैनल है वो सर्च रिजल्ट में आने लगेगा, ठीक है। तो आपको मतलब अपने चैनल के नाम से प्लेलिस्ट भी बनानी है, हैशटैग भी बनाना है, सब कुछ बनाना है। छोटी सी ट्रिक से जिसके मतलब आप अपने यूट्यूब चैनल को सर्च रिजल्ट में ला सकते हैं। तो अगर आपको एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना है तो साइड में एक वीडियो दिख रही है जिसपे आप क्लिक कर देंगे तो उसमें मैंने आपको बिल्कुल जेन्युइन ट्रिक बताई लाइव प्रूफ के साथ। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसके मदद से आप अपने यूट्यूब चैनल का जो मतलब एक दिन में मोनेटाइज कर सकते हैं। तो जाइए उस वीडियो को देख लीजिए। और सो बस आई होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चलो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना बिकॉज ऐसा इंटरेस्टिंग को इस चैनल पर मिलते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।